हेलो फ्रेंड्स, इनके हस्बैंड को छोड़ के चले गए हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को वायरल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा रो रही हैं बेचारी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका एक छोटा सा बेबी है और किसी रीजन से इनके हस्बैंड ने छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि इनमें आपस में झगड़ा हो गया था कुछ ही बात को लेके, तो वो घर छोड़ के चले गए। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, जिससे इनके हस्बैंड अगर इस वीडियो को देखें तो वो वापस आ जाएं। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है फ्रेंड्स, तो इनकी हेल्प कीजिएगा। आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। जो पति हमारे छोड़ के चले गए जानू, हमारे घर वालों की वजह से बहुत प्रॉब्लम में आ गई हूँ, बहुत दिक्कत में। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आज तक मेरे घर वालों की दिक्कत परेशानी खत्म नहीं हुई है। मैं बहुत दिक्कत में आ गई हूँ, बहुत दिक्कत में। जानू, मुझे आप बाबू को छोड़ के चले गए। घर वालों ने फोन करवाया दूसरे किसी से, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, सारी बातें जानू से फालतू हुई। और हमारी और जानू की लड़ाई भी हो गई और जानू छोड़ के चले गए। बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। हमारे घर वाले हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हमारा। मैं बहुत परेशान करके रख दिया सब लोगों ने, बहुत परेशान करके रख दिया। किसी न किसी से फोन करवा करवा के हमारी जिंदगी खराब करते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। इतना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मेरा बच्चा हो गया, मेरे घर वाले से वो कभी इससे फोन, कभी इससे फोन। सच है कि झूठ हम नहीं जानते, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन फोन यहाँ पे करवा करवा के हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। आज पहली बार मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया है, सिर्फ क्यों? मेरे घर वालों की वजह से। बताओ, एक मेरा बच्चा हो गया, इस बच्चे क्या करूं? बताओ क्या करूं? हमारी जिंदगी खराब करके रख दिया मेरे घर वालों ने, सही बताओ तो। बहुत परेशान किया इन सब ने, सब स्टार्टिंग से अभी तक परेशान किया है, अभी तक परेशान करते हुए आ रहे हैं। हमारे जानू को भी जाता भाई हो गया। पहली बार जानू मुझे थप्पड़ मारा सिर्फ मेरे घर वाले को, जैसे जब भी हमारे पास फोन करते, जब भी फोन किसी ना किसी से करवा के हमारी जिंदगी खराब करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत परेशान हूँ मैं तो, मन करता मैं क्या कर लूँ, कैसी जिंदगी बना दी मेरे घर वालों ने हमारी। सिर्फ इन लोगों को हमारी जिंदगी खुशी की देखी नहीं जाती, बहुत परेशान करते, बहुत परेशान करके रख दिया हमें। पहले हम दो थे तो भी वही हाल कर रखा था, हम तीन हो गए तो भी वही हाल कर रखा है हमारे साथ, से फोन करवा के घर से बुलाना। रिकॉर्डिंग हम सुना देते हो, फोन जानू लेके चले गए, अब पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, हम दोनों लोग कैसे रहेंगे। बहुत अजीब जिंदगी कर दिया घर वालों ने हमारी। इतना बोलते हैं आपको कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, कभी की चोरी का इल्जाम, कभी इसका इल्जाम, कभी उसका इल्जाम, लगा लगा के हमारी जिंदगी खराब कर रखा है मेरे घर वालों ने। कभी किसी से परेशान रहती हूँ, कभी किसी से। हम एक छोटा सा परिवार है हमारा, हम इसमें खुश रहना चाहते, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। एक दो जानू मुझे छोड़ के चले गए, हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? हम लोग फोन भी नहीं उठा रहे, फोन कट कर रहे हैं वो ये भी नहीं सोचते कि छोटा सा बच्चा है, कैसे लेके रहेगी। जब भी मेरे घर वाले दूसरे से फोन कराते, तब भी हमारे साथ जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, कुछ
खुद तो फोन करते ही है, खुद तो दुख देते ही है, दूसरों से फोन करा के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे हमारे पास 100 टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, हम बहुत दुख झेल गए, बहुत कष्ट काट के हमारी जिंदगी यहाँ तक पहुंची है, लेकिन अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे कभी उनसे। हम पता नहीं चलो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, भगवान जानते हैं। उन्होंने गुस्से में आके कई बार अपने आप को बहुत बुरा बुरा हो हाल्प कर लिया अपना। एक बार उन्होंने पॉइजन भी खा ली थी इस टेंशन के मारे, अगर कुछ कर लेंगे तो मेरा मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर वाले इसके जिम्मेदार होंगे। वो लोग बहुत परेशान करके रख रखा है मुझे, बहुत परेशान करके। मैं बहुत तंग आ गई हूँ जिंदगी से, ना जानू फोन उठा रहे ना कुछ कह रहा, मैं नहीं आऊंगा तो मैं अपनी मम्मी के लिए लड़ जाती कि मेरे घर वाले ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनसे फोन करके बोल रहा है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, हम तुम्हें अंदर कर देंगे वो कर देंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज जाने वापस आ जाओ, कम से कम बच्चे का मुंह तो देखो। मेरे घर वाले क्यों मैं सबके हाथ जोड़ती हूँ, तरह मत किसी से फोन करवाओ, मत कुछ करवाओ, बहुत तकलीफ में जिंदगी हमारी चल रही है। ऐसी हमारी जिंदगी ना, हमारे हमें सुखी की जिंदगी नहीं जी पाते, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे दुश्मन हमारे पीछे लग रख के, बहुत हम तकलीफ में खुद बहुत जीते, हमारा पीछा अब तो छोड़ दो। मेरा भाई बोलता है, उस दिन मैंने खुद उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारे घर से सोना चांदी लेके, खुद बोला कि तुमने कुछ नहीं लिया, तो अब किस लिए मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो, खुद 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 बोले मैं तो।